दूध स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है यह हम सब जानते हैं। प्रदेश की सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेश में बच्चों को दूध पिलाने की अनूठी योजना की शुरुआत की है। बेहतर कल की दिशा में अन्नपूर्णा दूध योजना अहम फैसला साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। बच्चे पढ़े, स्वस्थ तन स्वस्थ मन से निरंतर आगे बढ़े, इसी नेक मंशा से प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में अन्नपूर्णा दुग्ध योजना की शुरुआत की है। बच्चों के पोषण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना का आगाज सीएम राजे ने 2 जुलाई 2018 को किया। जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद अपने हाथों से बच्चों को दूध पिलाकर योजना की शुरुआत की। योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के हर बच्चे को सप्ताह में 3 दिन ताजा, शुद्ध एवं पौष्टिक गर्म दूध मिलेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मानना है कि ये योजना हमारे खुशहाल एवं स्वस्थ भविष्य की नींव है। इस योजना से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार तो होगा ही, साथ ही स्कूलों में नामांकन एवं ठहराव भी बढ़ेगा। इस योजना की बच्चों के परिजन भी मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं और इस नेक पहल के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार जता रहे हैं। योजना बच्चों के लिए चालू की है, वो बहुत अच्छी योजना चालू की है। इससे बच्चे दूध घर पे नहीं पीते, जो स्कूलों में भी पीना स्टार्ट करेंगे तो घर पे भी पीने लगेंगे, उनका विकास होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण से जुड़ी अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत की है। मिड डे मील के तहत प्रदेश में विद्यार्थियों को प्रतिदिन ताजा भोजन उपलब्ध होने के साथ साथ अब अन्नपूर्णा योजना के तहत महीने में 10 दिन दूध पोषाहार दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के आगाज के बाद अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 62 लाख बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों के पोषण की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश सरकार की इस नेक योजना में स्थानीय भामाशाहों का भी सहयोग लिया जा रहा है। भामाशाहों को इस योजना में सहयोग के लिए बाकायदा पत्र लिखे गए हैं। राजस्थान देश का एकमात्र वो अग्रणी राज्य है जिसमें मिड डे मील के तहत अन्नपूर्णा योजना में दूध पोषाहार की पहल की गई है।